गाइस वेलकम बैक। अब हम लोग फ्रेश हो चुके हैं आज के लिए, तो अभी निकल रहे हैं बाहर लाला सिटी में जाने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, बिल्कुल ही आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ना ही टीवी है ना ही इंटरनेट है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट फिर भी हमें बीच बीच में थोड़ा बहुत इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास रोमिंग तो एक्टिवेट कर ली थी हम लोगों ने, बट उसमें बहुत लिमिटेड इंटरनेट होता है। तो अभी सलाला सिटी जा रहे हैं, वहाँ से लेके आएंगे एक सिम कार्ड और उसमें होगा नेट, तो वो करेंगे यूज़ बीच बीच में, और यहाँ का आइसोलेशन का भी एंजॉय करेंगे और थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इंटरनेट का भी करेंगे एंजॉय। तो डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। आई थिंक हरमन यहाँ से अगर सीधा सीधा जाएंगे, हाँ हाँ, एंड उसके बाद लेफ्ट लेके रिसेप्शन आएगा ना, लाइक वी हैव टू वॉक स्ट्रेट। यस, तो रात को हमें इंस्ट्रक्शन दी थी उन लोगों ने कि ये बस वुड को फॉलो करते जाना है, ये आपको रिसेप्शन तक ले जाएगा और वहाँ से फिर गाड़ी हमारी नज़दीक ही है, और रिसेप्शन पे जाके इंटरनेट भी मिलेगा। और हाँ, जो इंटरनेट है वो सिर्फ रिसेप्शन पे ही अवेलेबल है, तो वहाँ जाके इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट का बफे लगता है। एंड यार पता है, इस रेस्टोरेंट का बेस्ट पार्ट तो नहीं कह सकते, बट मुझे बुरा लगा सुबह जब वो आते हैं ना सर्विस के लिए, तो वो बेचारे यहाँ से पूरा खाना ट्रे के साथ लेके रूम में डिलीवर करके जाते हैं। बट हम भी क्या करें, इतनी गर्मी है, हमेशा हम भी नहीं जा सकते ना खाना खाने। और इस तरफ थोड़ी माउंटेंस का व्यू भी है, वो दूर माउंटेंस का व्यू है, और ये कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हैं। सो दिस इज गाइस रिसेप्शन। इसमें सच्ची में पानी है? साउली लॉज। तो वो उस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है, ये देखो एंट्रेंस पे एक इन्होंने अबंडन शिप रखी हुई है जो कि बड़ी मस्त लगती है। ये रही अपनी गाड़ी, यार ये बहुत गंदी जो कि बहुत ही गंदी हो रखी है, दुबई में तो इतने का फाइन पड़ जाए हमें। धुलाएंगे माई ट्रैवल बडी। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं दोस्तों हम लोग, तो अभी निकलेंगे सिटी के लिए, तो रास्ते में आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत सिटी कैसा दिखता है सलाला दिन में, रात को तो आपको दिखा दिया था। तो यार ये है एग्जिट हमारे लॉज का, एंट्रेंस पे यही है वैसे इतना कुछ खास फर्क नहीं है। ये केक भी गेट है बट आई डोंट नो कि ये फंक्शनल क्या कि मतलब किसके लिए, आई डोंट नो, शायद उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है या उनके स्टाफ के क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। So this is towards Salalah. बहुत रिसर्च करने के बाद हमें फाइनली पता चला कि सिम कार्ड लुलू से मिलेगा, जो कि मैंने घर से भी बोला था। तो ये हम सलाला की गलियों में घूम रहे हैं अभी, बिकॉज़ हम, हाँ मैंने तो आपको अपडेट ही नहीं किया, हम सिम कार्ड लेने गए थे जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़राब हुआ कि ओमांटेल का ऑफिस था एक्चुअली जो बंद था, बिकॉज़ वो शायद मुझे लगता है ईद टाइमिंग या कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो बंद था। वहाँ पे फ्रेंडी का ऑफिस भी था, ये यहाँ के सिम कार्ड्स के नाम है एक्चुअली। तो यार सिम कार्ड ले लिए हमने, ये यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से सिम कार्ड मिले हैं हमें, तो सही है, बड़ी सही डीलिंग थी बंदे की। तो दो सिम कार्ड ले लिए हम लोगों ने, एक रेडबुल का कुछ है और दूसरा ओमांटेल है, तो दोनों चेक करेंगे किसका नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो वही यूज़ करेंगे, तो अपने को अभी नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। We are finally sorted. This is completely different. Correct. Difference तो बहुत है यहाँ में और दुबई में,
ये तो पूरा फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि अपन लोग अपना इंडिया में होते हैं ना, वैसे से घर रहे हैं, वैसे सा माहौल है और वैसे सी ग्रीनरी है। एंड सच में बताऊं ग्रीनरी वैसी है पर घर इंडिया में थोड़े और ज्यादा बेटर है। वो भी है। दिस इज सो ग्रीन। ये है ना जबरदस्त जगह। और सामने भी देखो भाई। तो मुझे याद है जब मैं यहाँ पे 4 साल पहले आया था ना, तो मैं इसी एरिया में कहीं घूम रहा था और यहाँ पे मुझे बंदा मेरा नारियल पानी पिलवाने के लिए लेके आया था। आई थिंक सो सामने की शॉप है। जबरदस्त है यार, लग ही नहीं रहा कि हम लोग इनके पास बीर भी है, मिडिल ईस्ट में है कहीं पे। ये ना इंडिया में भी होते हैं प्लांट्स, ये वाले स्पेशली। एक्चुअली पहले हम आए थे हाईवे से, तो अभी बीच रोड से जा रहे हैं, तो ये तो डिफरेंट है भाई, एकदम डिफरेंट। उस तरफ ये जो सारी मार्केट है ना, वाओ, रेडी बाजार। रेडी बाजार एक्चुअली, सही बात है, फ्रूट्स का रेडी बाजार है ये। अभी देखो क्या जबरदस्त है यार, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। अभी जस्ट हम पहुंचे हैं अपने रिजॉर्ट पे और यहाँ पे देख रहे हैं कि सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा। ये देखो नारियल, ये वाले तो ऐसे ही यहाँ से खड़की तोड़ सकते हैं, इतने नीचे। कल करूँगी मैं ये सारे काम। क्या कल करूँगी मैं ये सारे काम? कल तोड़ेंगे नारियल यार। तो गाइस हम लोग पहुँच गए अपने बंगलों पर और यहाँ से डायरेक्ट सनसेट दिख रहा है अपना। तो भाई लोग हम लोग बीच के हिसाब से रेडी हो गए, आ गए हैं। हमारे बेड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं यहाँ पे। वो पीछे जहाँ लाइट चल रही है थोड़ी सी दिख रही होगी शायद, वो अपना बंगला है। यहाँ बैठेंगे अभी और इन्जॉय करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, और मैडम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। साउली स्विंग, वाह जबरदस्त। इसको मजा तो वही है ना, स्विंग भी करो तो। नहीं यार। ये देखो ये गिर भी सकती है। नहीं गिरेगी। वो पीछे थोड़ा थोड़ा डार्क दिख रहा है आपको, वहाँ पे पहाड़ है और वहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा ही बारिश होती रहती है, तो अभी भी बारिश हो रही है वहाँ पे। मौज उठाओ बस, मौज लो, कोई टेंशन नहीं। जब तक ये स्विंग इंटैक्ट है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है। अरे इंटैक्ट रहेगा, मौज लो बस, जब गिरेंगे तब तभी मौज लेंगे। मौज के एक्सप्रेशन कुछ चेंज होते लग रहे हैं।